धमपद नंबर 7 और 8 की जो गाथा है और कथा है, उस कथा के अनुसार दो सगे भाई होते हैं, एक चुल्लकाल और एक महाकाल। चुल्ल जो बोलते हैं पाली में, चुल्ल माने होता है छोटा और महा माने होता है बड़ा। जैसे महानगर, महानगर का मतलब है बड़ा शहर, और अगर हम ये कहें कि चुल्ल नगर, इसका मतलब है छोटा शहर। दोनों सगे भाई हैं और दोनों के दोनों सावित्री आते हैं अपने व्यापार के सिलसिले में। व्यापारी हैं, व्यापारी लोग और जो बुद्धिमान लोग थे वो सभी लोग भगवान बुद्ध के धम्म के तरफ खिंचे चले आए उन दोनों। तो बड़ा भाई जो था महाकाल, उसको ये जानने की बड़ी लालसा थी, बड़ी इच्छा थी कि आखिर मैं हूँ क्या, अपने को जानने की, मैं चलता कैसे हूँ, मनुष्य काम कैसे करता है, वो पैदा कैसे होता है, कब से ये सिलसिला चल रहा है, ये सिलसिला कब थमेगा, हम किस लिए यहाँ हैं, किस कारण से हम हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, ये निज को जानने की, अपने आप को जानने की उसको बहुत ज़्यादा लालसा थी। इस लालसा के कारण जब उसने भगवान बुद्ध के सावित्य में वचन सुने, देशना सुनी और वहाँ उसने अध्ययन किया, लोगों को आसपास देखा, भिक्खुओं को देखा, तो उसे ये महसूस हुआ, ये एहसास हुआ और ये समझ में आया कि यहाँ वो अपने निज को जान सकता है, अपने आप को पता कर सकता है कि वो क्या है। इस लालसा में उसने भगवान बुद्ध से अनुरोध किया और भिक्खु संघ में आने के लिए प्रार्थना की। भगवान बुद्ध ने उसको अपने भिक्खु संघ में शामिल किया। जब वो शामिल हो गया तो छोटे भाई के दिल पे सांप लौटने लगे, क्योंकि छोटे भाई चुल्लकाल को बड़े भाई से बहुत ज़्यादा प्यार था, स्नेह था। वो जानता था कि रास्ता बहुत अच्छा है, बुद्ध के जो अनुयायी हैं बहुत बढ़िया हैं, संघ बहुत अच्छा है, सारी बातें बहुत ठीक है, मगर भाई भिक्खु बन जाए और भाई चला जाए ये उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उसने सोचा कि अगर मैं भी भिक्खु संघ में आ जाता हूँ तो भाई को किसी न किसी तरह से मोड़ के, समझा के, बुझा के वापस मैं गृहस्थ में, घर में लेके आ सकता हूँ। ऐसा सोच के उसने भी अनुमति मांगी और वो भी भिक्खु संघ में शामिल हो गया। बड़ा भाई जो महाकाल था, उसने धुतांग के नियम का बड़ा गहराई से अध्ययन किया और पालन किया। धुतांग बोलते हैं जो भिक्खु संघ के जो धम्म के नियम होते हैं पालन करने के लिए, विपश्यना में उनको धुतांग बोलते हैं। इस धुतांग के नियम को ही बाद में कहते लगे कि धुत पड़ा हुआ है, यानी कि जो धम्म में पड़ा हुआ है, धम्म को सीख रहा है, उसको धुत बोलते थे। और बाद में ये शब्द नेगेटिव हो गया, अब धुतांगधारी या धुतांग को धूम्रपान से या नशीले पदार्थ से जोड़ दिया गया है, जबकि धुतांग का मतलब होता है कि धम्म के नियम के अनुसार गहराई से चलना और समझना, यानी धम्म के नियम। बड़ा भाई बहुत तेजी से अपने निज को, धम्म को सीखने लगा और छोटे भाई का मन लगता नहीं था, क्योंकि छोटा भाई का उद्देश्य निज को जानने के लिए या धम्म को समझने के लिए नहीं था, उसका उद्देश्य था अपने भाई को कैसे ही वहाँ से वापस लेके आने का। मगर वो लगा रहा, क्योंकि भाई से बहुत ज़्यादा स्नेह था, भाई से बहुत ज़्यादा राग था, बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा मोह था, इसलिए वो उसके साथ ही रहा। भ्रमण करते 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 एक बार वो अपने गांव के नज़दीक पहुँच गए। सिमसपा उनका जो वन था, वहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना विहार बनाया। जो सिमसपा जो बहुत जगह थी, बड़ी रमणीय जगह थी और उनका गाँव पास था। भगवान अपनी देशना, अपने प्रवचन देते थे और वहाँ सभी लोग विपश्यना, जितने भी भिक्खु थे, सामने थे, विपश्यना करते सीखते। खाने के लिए उन्हें गांव में जाना पड़ता था, तो वो गांव में गए। गांव में जब उन्होंने खाना खाया तो वहाँ जो चुल्लकाल था, उसकी पत्नी ने अपने यहाँ भोजन दान के लिए अनुरोध किया। अनुरोध को स्वीकारा गया और अगले दिन सारे सारे भिक्खु संघ भगवान बुद्ध के साथ में चुल्लकाल के घर पर जाके उन्होंने भोजन किया। अब भोजन करने के बाद में ये परंपरा है कि आपको प्रतिदान देना पड़ेगा, संघ का नियम है, नियम तोड़ा नहीं जा सकता, फ्री में कोई खाना खा नहीं सकता। ये बात तय है कि जिसका खाना खाएंगे उसको नॉलेज देंगे, उसको ज्ञान देंगे, उसको धम्म देंगे, उसको सिखाएंगे, और सिखाने के लिए ये जिम्मेदारी चुल्लकाल पे आ पड़ी। चुल्लकाल सिखाएगा। चुल्लकाल को छोड़ के सारे भिक्खु भगवान बुद्ध के साथ में जो सिमसपा वन था उसमें चले गए। चुल्लकाल ने पत्नी को देखा, पत्नी ने उसको देखा, क्योंकि चुल्लकाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर था,
वो धम्म में पारंगत नहीं हो पाया, दुतांग के नियमों को नहीं देख पाया, वो नहीं समझ पाया समाधि क्या होती है, शील क्या होती है, उसका उद्देश्य कुछ और था, इसलिए वो बड़ा कमजोर था। और वहाँ वो अपनी पत्नी के मोह पास में आया, मोह पास में आने के कारण उसने चीवर भिक्खु संघ को लौटा दिया। इसमें कोई नियम की हानि नहीं हुई, क्योंकि ये भिक्खु संघ का नियम है कि अगर आप नहीं धम्म में आ सकते हैं, धम्म को नहीं सीख सकते हैं और चीवर की जो नियम है उनको नहीं मान सकते हैं, नहीं उनको चला सकते हैं, तो आप चीवर को वापस दे सकते हैं, क्योंकि चीवर और भिक्षा पात्र ये भिक्खु संघ का प्रॉपर्टी होती है, भिक्खु संघ की सामूहिक रूप से एक प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है, इसलिए ये भिक्खु संघ को लौटानी होती है। और कोई नियम का अपवाद भी नहीं है, आपको अगर धम्म नहीं सीखना ही है तो आप चीवर उतार के भिक्खु संघ से अलग जा सकते हैं, दोबारा भी भिक्खु संघ में आ सकते हैं, आने जाने का नियम है, मगर जब तक भिक्खु संघ में रहेंगे भिक्खु संघ के नियमों का पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि चीवर भी रखें आप और भिक्खु संघ के नियमों का भी पालन ना करें। बात गई और अगले दिन फिर वो भिक्खु संघ दोबारा से गांव में भिक्षा के लिए गया। इस बार जो महाकाल की पत्नी थी उसने सोचा कि चुल्लकाल वापस आ गया, अगर मैं भी भिक्खु संघ से निवेदन करूं कि मेरे यहाँ भोजन करें और वो आए तो हो सकता है महाकाल आ जाए। ऐसा सोच के उसने भिक्खु संघ से निवेदन किया कि उनके यहाँ भोजन करे। उनका भिक्खु संघ ने दान स्वीकार किया और अगले दिन भिक्खु संघ वहाँ जो महाकाल था उसकी पत्नी के यहाँ भोजन करने पहुँचे। जब भोजन हो गया तो प्रतिदान यानी कि भोजन के बदले में जो शिक्षा थी उसको देने का नंबर महाकाल का आया। महाकाल प्रतिदान देगा, भोजन का दान देगा, जो भोजन के बदले में शिक्षा देनी है वो जिम्मेदारी महाकाल की है। और भिक्खु संघ वापस जाने लगा भगवान बुद्ध के साथ। तो जितने सामने थे, जितने भी भिक्खु थे संघ में, उनमें कानाफूसी होने लगी। कहने लगे कल ही की बात है जब चुल्लकाल हमारे साथ था छोटा भाई, आज वो नहीं है और अब महाकाल भी है, पता नहीं महाकाल लौटेगा या नहीं लौटेगा, आएगा वापस या नहीं आएगा, क्या होगा, बड़ा संशय था, बड़ा विकट समय था, बड़ा ही अजीब सा अंदेशा हो रहा था, खुसर फुसर चचारों थी। तब भगवान बुद्ध ने ये दो गाथाएं कही। उन दो गाथाओं में उन्होंने स्पष्ट बताया कि क्या हुआ, कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो महाकाल है, महाकाल बहुत अशुभ को देख के विहरता है, यानी कि वो बुरी से बुरी जो संभावना है उसको देख के विपसना करता है और वो कभी इस कामना में नहीं करता कि मुझे कुछ प्राप्त होगा। महाकाल बहुत ज़्यादा संयमी है, बहुत संयम के साथ काम करता है और महाकाल भोजन की मात्रा को समझता है कि कितना भोजन शरीर के लिए आवश्यक है। महाकाल आलसी नहीं है और वो अपने उद्योग में यानी कि विपसना करके अपने आप को शुद्ध करने के काम में मन से लगा रहता है, श्रद्धा से मन से लगा रहता है और ऐसे व्यक्ति को मार कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो ऐसे रहता है जैसे पर्वत बिल्कुल अडिग रहता है। और इसके उलट उन्होंने एक गाथा और बताई। ये गाथा नंबर 7 और 8 हैं जो धम्मपद की यमकवक की गाथा है। 7 नंबर गाथा के अनुसार अब हम यहाँ गाथा बता रहे हैं क्योंकि आपको कथा बताई है। ये गाथा इस प्रकार है, शुभानुपस्सिंग विहरंतंग इंद्रियेषु असन्वतंग भोजन मिहि चमत्तयुंग कुसितंग हीन वीर्यंग तंग वे पसहति मारो वातो रुखंग वा दुब्बलंग। इसमें जो पहला शब्द है यानी जो शब्द है सुभानु पस्सिंग का मतलब है जो शुभ अनुसार पस्सिंग यानी शुभ अनुपस्सिंग जो हमेशा अच्छे के अनुसार देखते हैं और विहरतंग का मतलब विहरते हैं यानी कि अपने मन में हमेशा ये रखते हैं कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ काम कर रहा हूँ उसका मुझे ये फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, यानी वो उद्देश्य को रख के काम करते हैं। इंद्रियेषु असन्वतंग यानी जिनकी जो इंद्री हैं, इंद्री का मतलब जो 6 हमारे सेंसेस हैं,
जो नाक कान मुंह जीव त्वचा और जो मन हैं वो असंयत होते हैं। असंयत का मतलब कैसे हैं, इनबैलेंस होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। कैसे, जैसे अभी आपके सामने खाना आया, खाना आते ही आपके मुंह से पानी आ गया, इसका मतलब आपके जो सेंसेस हैं आपके कंट्रोल में नहीं है। किसी का खुला हुआ पैसा देखा आपने, 1000 की 2000 की 2000 के नोटों की गड्डी देखी, या बैंक में बहुत सारा पैसा देखे और आपका मन विचलित हो गया। किसी के गले में बहुत सारा पैसा देखा और आपका मन विचलित हो गया। किसी के गले में आपने बहुत ज़्यादा सोने हीरे के जवाहरात देखे और आपका मन विचलित हो गया, इसको बोलते हैं असंयत इंद्री। या बहुत अच्छा आपने खाना देखा टेबल पर सजा हुआ, या कहीं खुशबू बहुत अच्छी देखी और आप वहाँ रम गए कि बहुत अच्छी खुशबू है, या आपने देखा कि कोई टच आपको दे रहा है, कोई स्किन पर बहुत अच्छा आपको रगड़ दे रहा है और उससे आपको अच्छा लगने लगा, या आपके मन में अच्छे अच्छे विचार आने लगे, बड़े अच्छे अच्छे आपके अंदर भाव बनने लगे, या जो इमेजिनेशन है जो बहुत ज़्यादा ऐसी बनने लगे चित्रित के जो बहुत अच्छा मन को लुभाएं, या जो आपको अच्छे अच्छे सीन दिखाई दे रहे हैं सामने वीडियो ऑडियो जो आपको लगता है कि बड़े अच्छे और सुंदर हैं, ये सब इंद्रिय हैं। अगर ये कंट्रोल से नहीं होती, असंयत नहीं होती, ऐसे व्यक्ति के लिए उन्होंने कहा है इंद्रियेषु असंवतं भोजन मिहि चमत्तयुं, यानी भोजन में ही, भोजन के अंदर जो मात्रा के अंदर नहीं देखता, भोजन की मात्रा को नहीं जानता। भोजन की मात्रा मतलब चार रोटी जो खाता है वो दो रोटी और फालतू खा ले, इसका मतलब वो भोजन की मात्रा को नहीं जानता। या जिसको ये पता चल गया कि अब उसका पेट में खाना जितना पहुंचा है ये सफिशियंट है, फिर भी वो दो रोटी या एक रोटी और खा रहा है फालतू, या और दूध पी रहा है या और मिठाई खा रहा है, इसका मतलब भोजन की मात्रा को जो नहीं जानता है। कुसितंग हीन वीर्यंग, कुसितंग माने को सितंग, सितंग माने होता है आलस, यानी कि जो आलस करता है। हीन वीर्यंग, हीन का मतलब है रहित, यानी कि जो वीर्य माने होता है उद्योग करना, मेहनत करना, जो मेहनत से रहित है, यानी विपसना कर रहा है मगर साधना कर रहा है और मेहनत कर रहा है मगर आलसी है, उस आलस करने में, मेहनत करने में आलसी है। तंग वे पसहती मारो, तंग माने वे, तंग माने वह, और वे माने होता है वास्तव में। पसहती मारो, पसहती मारो का मतलब है मार उनको दबोच लेती है, यह मार उनको हरा देती है। किस प्रकार, जैसे कोई पेड़ है जो बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गया है और उसको हवा जड़ से उखाड़ के फेंक देती है। वा तो रुखंग वा दुर्बलंग, वा तो माने हवा, रुखंग माने पेड़, वा माने इस प्रकार जैसे, और दुर्बलंग माने जो दुर्बल है, जो कमज़ोर है। इसी के उलट भगवान बुद्ध ने 8वीं गाथा में कहा है, सेम गाथा है, उसके अंदर ज़्यादा नहीं है, उसके अंदर सिर्फ चीज़ें नाम बदले हैं। जैसे सुभानुपस्सिंग का ए सुभानुपस्सिंग हो गया है, यानी कि वो कहते हैं ए सुभानुपस्सिंग विहरंतिंग, जो बहुत बुरे को और या जो मन में ये बात नहीं लाते कि मुझे कुछ चाहिए इसलिए मेहनत करते हैं। इंद्रियेषु सुसंवतंग, यानी जिनकी इंद्रियें सुसंयत होती हैं, बिल्कुल उनके कंट्रोल में होती हैं, उन्हें अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रहता है। भोजन में ही चय मत्तयुंग, यानी और भोजन में जो मात्रा को जानते हैं कि कितना खाना खाना चाहिए कितना नहीं। भगवान बुद्ध के अनुसार भोजन में 20% खाना कम खाना चाहिए और खाना वही खाना चाहिए जो शरीर के लिए अनुकूल है, ये उन्होंने विपसना के समय जो सिखाया। इसलिए 12 बजे के बाद भोजन करना भिक्खुओं के लिए मना था, क्योंकि 12 बजे के बाद का भोजन उनके किसी काम का नहीं था, वो एक्स्ट्रा होता था, वो सिर्फ सुबह खाते थे और 12 बजे से पहले दोपहर से पहले खाते थे, यही उनका भोजन था। सद्धं आरद्ध वीर्यंग, सद्ध माने यानी कि जो लगन से, सद्ध से श्रद्धा से, जो लगन से आरंभ करता है अपना उद्योग अपना काम। आरद्ध वीर्यंग, वीर्यंग यहाँ जो बोलते हैं उद्योग को बोलते हैं, मेहनत को बोलते हैं। आरद्ध माने आरंभ करना। तंग वे नपसंती, वह वास्तव में ने पसंती मारो, मार उनको दबोच नहीं सकती, पसती नहीं कर सकती है। इस प्रकार जैसे वातो सेलंग वह पतंग, जैसे हवा जो सेल पर्वत है जो अडिग खड़ा हुआ है उसका टस से मस नहीं कर सकती। ये 7वीं और 8वीं गाथा के अंदर स्पष्ट है। इनका एक लाइन में मतलब है कि जो व्यक्ति संयत होते हैं, जो व्यक्ति भोजन में मात्रा को जानते हैं, जो व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं, जो व्यक्ति ये सोच के काम करते हैं कि जो होगा ठीक होगा, हम ऐसा नहीं सोचते कि ठीक होने के लिए काम कर रहे हैं या हमें ये प्राप्त हो उसके लिए हम काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कुछ नहीं बिगड़ता। यानी कि जो मार का मतलब यहाँ जो होता है, मार का मतलब है जो बुरी बातें हैं या बुरी चीज़ हैं या बुरी प्रॉपर्टियाँ हैं, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जैसे हवा किसी पर्वत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। धन्यवाद।